नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एलजेब्रा के भी क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड मिल जाते हैं आपको। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। टोटल हम 26 क्वेश्चन को कवर करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, कि वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे आधारित किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां भी किसी भी समीकरण का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वन वेरिएबल में हो गया या टू वेरिएबल में भी हो सकता है, बट डिग्री ऑफ इक्वेशन, मतलब ये डिग्री ऑफ इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है? टू होता है। मतलब आपको देखना है कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यह एक्स की पावर में वन है। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है एक्स का, तो एक्स के पावर में टू सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, डिग्री ऑफ इक्वेशन टू हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो रूट निकलेंगे, मतलब जो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, रूट निकलेगा, रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा और बीटा, मतलब दो अलग अलग रूट निकलेंगे अल्फा और बीटा। अब ये डिपेंड करेगा कि इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो ये बहुत ही आसान है और आपने क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा भी होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम साइड में लिखे तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, या तो अल्फा और बीटा निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, जितना डिग्री होगा ना, अगर दो डिग्री है तो दो वैल्यू, तीन डिग्री होगा तो तीन वैल्यू, और चार डिग्री होगा तो चार वैल्यू, मतलब x का जितना डिग्री होगा उतने अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, या सिमिलर वैल्यू भी देखने को मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए अल्फा और बीटा दो अलग अलग रूट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू में अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये ए और ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी एक्स का कोफिशियंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल उसे बोलते हैं जो चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, जैसे कोई नंबर एक कांस्टेंट का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए होता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि डी क्या होता है, तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। D इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ एक बार प्लस कीजिएगा, एक बार माइनस कीजिएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, दो साइन दिया है, और ये D का वैल्यू निकालिएगा। अब D के वैल्यू को मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे D का वैल्यू डिपेंड करता है। D का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अनइक्वल, मतलब डिफरेंट रूट निकलेगा, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट रूट निकलेगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अगर d इक्वल टू में जीरो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है, इस कंडीशन में इक्वल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर d लेस देन जीरो आ जाता है, मतलब इस केस में इमेजिनरी सॉल्यूशन, मतलब रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। जो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है, जिसको अंडर रूट माइनस वन कहा जाता है। तो इस तरह का कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये लेस देन जीरो पे, तो लेस देन जीरो पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। केवल पूछा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता देना है, जब भी डी लेस देन जीरो आ जाएगा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे आप लोग। केवल दो केस में आपको सॉल्यूशन निकालना है,
इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो पे निकालना है, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो ये आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए आगे देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब पूछा जाएगा एग्जाम में सम ऑफ रूट, क्या पूछा जाएगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा। रूट्स तो दो ही मैंने बताया, अल्फा और बीटा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बाई ए। अब ये सवाल ये है कि माइनस बी ए कहां से लिखा हमने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बी स्क्वायर यानी ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो। तो ये एक्स का कोफिशियंट और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो ये हो गया प्रोडक्ट पूछा जाएगा। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा गुना में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं इसको लिख देता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट मतलब क्या हो गया, जो हल निकलेगा एक्स और एक्स का जो वैल्यू निकलता है उसको रूट बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मतलब सी बाई ए हो जाएगा। ए हमेशा नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा ए हमेशा नीचे होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो इसको हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, ये एक फॉर्मूला के जैसा काम करेगा और ये भी क्या है, एक फॉर्मूला के जैसा काम करने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दो नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ रूट से और जो होता है मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैसे आप वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में जीरो। तो अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा भी आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसी का मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में अल्फा इंटू एक्स माइनस में बीटा इक्वल टू में जीरो। ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब दोस्तों हम समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम होता है, केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो प्लस लगा देंगे। अब कैसे हो जाएगा देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 4a। तो ये क्या निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, और यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए, मैक्सिमम में प्लस लिखेंगे मिनिमम में माइनस लिखेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, तो ये फॉर्मूला हो गया और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन। तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है फिलहाल मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का खत्म हो गया, अब आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब दोस्तों आप देखिएगा टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू में जीरो में x का मान कितना होगा। तो ये समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू में जीरो में x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ x का मान क्या होगा निकालते हैं हम लोग। तो दो हमारे पास तरीका है, एक तो जैसे हम क्लास 9 में बनाते थे, इसमें मैं सब चीज आपको बताऊंगा, जितना भी चीज निकालना होता है ना, जैसे सम ऑफ रूट निकालना और इसका सॉल्यूशन भी निकालना। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को निकाल लेते हैं, तो अल्फा और बीटा को निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, बटे में क्या हो जाएगा 2a। अब हम यहाँ साइड में लिखते हैं, a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा।
सी का मान कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। ऐसे आप लोग एग्जाम में नहीं बनाइएगा, ऐसे मैं फॉर्मूला पे आपको बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में आपको सब चीज में बता दूंगा, बाकी मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, तो ट्रिक से ही आपको एग्जाम में बनाना है। अब यहां देखिएगा, अब यहां क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में -b मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस है बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4ac, ए कितना है 1 है, ए कितना है 1 है, सी कितना है -35 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -35 लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे, बटे में 2a लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 35 चौके कितना हो जाता है, 140 हो जाएगा, मतलब ये 144 हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 12, 144 लिख लीजिए, 144 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 12, तो हम इसके जगह पे 12 लिख लेते हैं, बटे में यहाँ 2 है, और यहाँ पे प्लस माइनस था, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है और दूसरी बार क्या करना है, माइनस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का काम हो गया है, जो वैल्यू आपको निकालना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए हाइड करते हैं और देखिएगा अब कैसे निकालेंगे। एक बार माइनस टू को इसमें प्लस टू में 12 में ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -14/2 आ जाएगा, और दूसरी बार कितना आ जाएगा, +10/ क्योंकि +12 हो गया तो +10/2 आ जाएगा। तो दो रूट क्या क्या निकल गए, माइनस से 7 निकल जाएगा और 5 निकल जाएगा, तो ये दो रूट आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बट सवाल ये है कि क्या इतना लंबा आप बनाएंगे, तो नहीं इतना लंबा नहीं बनाएंगे, इसको देखिएगा मैं 2 मिनट में अभी बताऊंगा, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप छोटा करते हैं और एग्जाम में कैसे बनाना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आप लोग को ये 1 पता है, पता होगा कि कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इस 1 से क्या करेंगे ना, इसको हम गुना करेंगे, इस वाले को गुना करेंगे, तो ऊपर साइड हम करते हैं, नीचे हम बनाएंगे ना, ये 1 है, जो भी कोएफिशिएंट होगा इसको हम गुना करेंगे, तो 35 का 35 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 जो है ना, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू में 2 को ऐसे हमें स्प्लिट करना है, जैसे कि यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो मन में रख सकते हैं, यहाँ 2 लिख लिया। अब 2 को स्प्लिट करना है कि गुना करने पे तो 35 आ जाए और प्लस से जोड़ने और घटाने पे 2 आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, 7 - 5 ऐसे लिखेंगे तो 2 भी आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होता है। अब रूट निकल गया, रूट निकल गया, केवल जो साइन है उसको उल्टा कर दीजिए, -7 और +5, ये माइनस का था तो हमने प्लस कर दिया और ये प्लस का था तो हमने माइनस कर दिया। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से भागा दे दीजिए, जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे भागा दे देंगे तो फाइनल रूट निकल जाएगा -7 और 5। तो यही देखिए निकला था ना, -7 और 5 निकला था, हम लोग का सही आंसर आया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को छोटे में बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताया था -b/a हो जाएगा। अब b कितना है देखिए, तो b है -2 हो जाएगा और a कितना है 1, तो सम ऑफ रूट कितना निकल गया, -2 निकल गया, ये सम ऑफ रूट निकाला है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, c/a होता है, c/a होता है, तो c कितना है -35/a होता है, -35/a मतलब 1, मतलब ये कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था, अब आगे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए स्पेस है, तो यहाँ पे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा इस वाले वैल्यू से आपको इक्वेशन भी बना के दिखाऊंगा कुछ देर बाद, या पहले इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, मैंने बताया था इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² - α + β (x² - α + β) × x है, और प्लस में α × β, ये होता है आपका वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप लोग को दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, रहने देते हैं यहाँ पे, -α और β कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो -α β कितना है, +2 है, तो यहाँ +2 बैठा दीजिए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना है,
-35 है तो -35 बैठा दीजिए, देखिए आपका सेम इक्वेशन बन गया जो ऊपर में है, यही इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके पास अगर रूट भी दिया होगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहां से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको ला सकते हैं। अब हम लोग निकाल के देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम वैल्यू का 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, यही बताया था मैंने 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब 4ac में वैल्यू पुट कीजिए तो 4 इंटू में a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए तो a का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे। c का वैल्यू कितना है, माइनस 35 है तो यहाँ 35 पुट कीजिएगा। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 है तो ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम बटे में 4a करेंगे, जगह हमारे पास कम है 4a, a का वैल्यू 1 है तो 4 ही हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 35 है, 35 चौके कितना होता है 140, 144/4 माइनस 144/4, अब 4 से कटेगा ये शायद 36 चौके कट जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब हम लोग का ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं आया, ये हम लोग का मिनिमम वैल्यू आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकला, मिनिमम वैल्यू निकला, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकला क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा, अगला क्वेश्चन है टाइप 2 क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ दोबारा से, अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, आप छोटे जो ट्रिक है ना ट्रिक से हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम क्या करें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। 8x² - 22x - 20 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -21 = 0 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 गुना में सबसे पहले क्या करेंगे, 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुना में 8 करेंगे तो 168 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 21 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है इसको स्प्लिट करना है, मतलब 22 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका आंसर क्या आ जाए, मतलब 22 आ जाए जोड़ने और घटाने पे 22 आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो अब स्प्लिट कैसे करेंगे, अब स्प्लिट हम लोग को करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले x लिखेंगे और यहाँ पे 22 लिखेंगे, -22 चाहिए हम लोग को, किसी भी तरह -22 चाहिए, अब चाहे आप जैसे भी लेके आए -22 को, तो -22 को हम लोग को लेके आना है यहाँ पे, तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो अब फैक्टराइजेशन करना होगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि क्या कैसे स्प्लिट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 74 हो जाएगा, 74 होगा नहीं 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 42 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 8 हो जाएगा, पर ऐसा कुछ करना है कि -22 आ जाए। -22 लाने के लिए 3 से लगा देते हैं और 7 से लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कुछ पेयर बनाने का कोशिश करेंगे जिससे क्या आ जाए, 168 आ जाए। तो 168 लाने के लिए यहाँ से 6 ले लेते हैं और यहाँ पे 7 × 28 ले लेते हैं, 7 × 28 मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग -28 और माइनस, देखिए 7 × 28 हो गया और प्लस 6 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 22 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। तो हम लोग का काम निकल गया। अब जब हम लोग का काम निकल गया तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, x का वैल्यू, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर लेंगे और जो प्लस का होगा उसको माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से हो गया। अब जो भी कोफिशिएंट है 8 है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। अब कट करके लिखिए, 4 से काटेंगे 4 × 2 = 8 4 × 7 = 28 अब यहाँ पे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं 2 से
ये 4 मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 7/2 और यहाँ निकल जाएगा -3/4 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा -3/4 निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा x के दो वैल्यू हमने निकाल दिए। क्वेश्चन में भी सेम पूछा गया था कि इसको हल कीजिए, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। टेबल याद है तो बहुत अच्छा, अब टेबल याद नहीं है, 28 का टेबल नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ जाएगा। मुझे जैसे याद नहीं था 28 का टेबल, तो आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो टेबल याद है 30 तक तो काफी काम करेगा, और टेबल याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। मैंने 3 ला दिया और ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2x² + 7x - 15 के मूल का योग है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब पहले तो अल्फा और बीटा निकालना है, फिर उनका सम ऑफ रूट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो भी मान आएगा उसका सम निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x², ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2x² + 7x, ठीक है, -15 = 0 क्या हो जाएगा, -15 = 0 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट है, इसको इससे गुना करेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब ये 30 जो आया ना, अब इस 30 को क्या करना है, मतलब गुना भागा करने पे कुछ है? गुना करने पे हमें माइनस का 30 लेके आना है, क्योंकि यहाँ माइनस का 30 आएगा इस प्लस 7 से। तो ऐसा हम क्या करें, तो हम लिख सकते हैं 10 से -3, गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जो चाहिए था वो आ जाएगा। अब यहाँ साइन चेंज करने का टाइम आ गया, तो माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, 2 से भागा दे देंगे, बस यही आपका निकल गया, 2 से भागा दे दिए। अब हम लोगों को क्या निकालना, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, अब अल्फा प्लस में बीटा निकालना है। अब अल्फा प्लस में बीटा निकालना है तो इन दोनों को सम कीजिएगा, तो एलसीएम 2 आ जाएगा और 10 से माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। समीकरण 3 - 17x + 6x² = 0 का मूल का गुणनफल क्या होगा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये इतना लंबा हमने क्यों किया, इतना लंबा नहीं भी करते तो चल जाता, इसको मैं छोटा में बताता हूँ आपको, दो लाइन में, मैंने तो फॉर्मूला बताया ही था ना, तो इतना लंबा हम क्यों करेंगे। सम ऑफ रूट निकालना है ना, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस में होता है, -b/a होता है, और -b कितना है 7, तो -7/a हो जाएगा, -7/a हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो ये तो एक लाइन में बन जाएगा, ये तो देख के आप बना सकते थे, मैंने थोड़ा लंबा बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, यहाँ भी हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ a का मान लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, b का मान लिखेंगे दिखेगा तो इक्वेशन में b का मान कितना हो जाएगा, b का मान -17 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -17 है, और c का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 3 है। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनफल पूछा गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब रूट आपको निकालना नहीं है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, प्लस c/a होता है, तो सी कितना है 3 और a कितना है 6, मतलब 1/2 आपका एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप केवल देख के बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को केवल आप देख के बना सकते हैं, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, वह द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल 3 और -3 है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, मतलब द्विघातीय समीकरण निकालना है। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में सब चीज बता दिया था वो आपको अलग से देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा कहीं से भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -3 है। अब जिसके मूल 3 और -3 है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो पहले लिखते हैं अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3, और यहाँ बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, अल्फा और बीटा हमने लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है,
और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और माइनस 3 इंटू एक्स है, और प्लस है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर ये तो कट के 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, एक्स वाला टर्म ही खत्म हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा, 9 इक्वल टू में 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बाई फार्मूला बताया और ये फार्मूला पहले आप लोग को समझाया था मैंने। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप 3 है क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 का गुणनफल क्या होगा, मतलब गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करके छोड़ देना है। तो गुणनखंड या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर आप स्टेप से निकाल सकते हैं, हम आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, या पहले स्टेप से ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चार को इससे गुना करेंगे, तो इस चार को गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 10 माइनस का 10x माइनस का 6x गुना करेंगे, तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और प्लस में 15। अब यहाँ पे चार कॉमन होगा, जितना कॉमन होगा उतना कॉमन निकालेंगे, दो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, तीन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 5। गुणनखंड निकाल के क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये तो हो गया ओल्ड मेथड जो आप लोग बचपन में बनाते थे, अब हम लोग बचपन में तो है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे ट्रिक से बनाएंगे। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, पूरा आंसर मैंने ला दिया था। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। अब माइनस 16 इन दोनों को गुना किए तो 60 आ गया, इसको 60 में स्प्लिट करना है तो माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग को तो रूट निकालना नहीं है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा, x जो भी अल्फा होगा उसका साइन चेंज करेंगे, तो हमने तो पहले ही साइन नहीं चेंज किया है, तो हम लोग x माइनस 10 लिख देंगे और यहाँ x माइनस 6 लिख देंगे। अच्छा कोफिशेंट से कौन डिवाइड करेगा, कोफिशेंट से भी तो डिवाइड करना ना, ये छूट गया था, तो दोनों के कोफिशेंट से डिवाइड कीजिए, तो माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस से 2 बाई नहीं माइनस 5/2, माइनस 5/2 और यहाँ पे माइनस 3/2 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ठीक है, माइनस 5/2 माइनस 3/2 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको लगाना है, तो x माइनस में साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, यही वैल्यू सीधा पुट कर देना है, साइन चेंज कीजिएगा तो वो रूट निकल जाएगा, हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है, तो x माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी क्या आया था आंसर देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया था, इसका फाइनल आंसर 2x माइनस 5 आया था, तो ये ठीक है, इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, मतलब x माइनस 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है साइन को, साइन को चेंज करते तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लिखते, बट ये पहले से डायरेक्ट हम इस साइन को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अब एलसीएम लेके अगर आप बनाइएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम लेके अगर आप बनाइएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना आसानी से हम बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को, आप चाहे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टेप से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो कीजिए, आसानी से बनाइए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 देखा अभी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया देखिएगा, आर पर 9x स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड निकाले यदि संभव हो तो, मतलब रियल नंबर पे पूछा गया है कि
रियल नंबर पे पूछा गया है कि 9x² + 1 का रूट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर आपको लगा होगा कि अब हम लोग कैसे निकालें रूट, तो ध्यान से देखिएगा अब हम लोग कैसे निकालेंगे रूट। ठीक है, ट्रिक से भी बन जाएगा, स्टेप से भी बन जाएगा। 9x² + 1 = 0। ठीक है, आपको जैसे भी निकालना है वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया यदि संभव हो, इसका मतलब यहाँ रूट संभव ही नहीं है, निकाला ही नहीं जा सकता है। अब कैसे इसको डायरेक्ट चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ लिख ही देता हूं मैं, आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो 9x² + 0x है, 0 × x है + 1। ठीक है, अब यहां से ए का वैल्यू लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, बी का वैल्यू लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, सी का वैल्यू लिखेंगे 1 आ जाएगा। D = में क्या होता है, -B² - 4AC, यही होता है ना, B² - 4AC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पुट कीजिए, B² का वैल्यू पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, -4AC मतलब 9 हो जाएगा, और C का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये आ गया -36। मतलब कहने का मतलब क्या है, D का वैल्यू जब -36 आ गया तो ये तो लेस देन 0 हो गया। अब लेस देन 0 पे क्या होता है, नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी वास्तविक संख्या इसका हल नहीं होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, के के किन मानों के लिए 3x² + kx + 2 = 0 के वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, के के किन मानों के लिए, तो ध्यान से देखिएगा के किन मान के लिए ये वैल्यू इक्वल होंगे, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए के किन मानों के लिए 3x² + kx + 2 का वास्तविक मूल होगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। अब सवाल ये है कि k का वैल्यू कैसे निकालें, तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट निकालने आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने आता है, जो कि हम यहाँ पे अब यूज करेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ रूट क्या होता है, a = 3 आ गया, b = + k है, और c = + 2 है। सम ऑफ रूट मतलब α+β। ठीक है, α+β, या इससे भी आसान तरीका दिखाते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों करेंगे, d = में क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, वास्तविक मूल होंगे। अब मूल इक्वल है या इक्वल नहीं है यह हमें देखना होगा, इक्वल नहीं होगा तो देखिएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग को नहीं पता कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, k का वैल्यू हम दो तरीके से निकाल के अभी दिखाने वाले हैं, दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है, पहले स्टेप से बनाते हैं, तो b² - k² - 4ac, 4ac मतलब 4 × 3 × c, c का मान कितना है, 2 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे k स्क्वायर और 12 × 24 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 × 24 > 0, क्योंकि यहाँ रियल नंबर बोला गया तो > 0 होगा कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर > 24 हो जाएगा। ठीक है, > 24, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा। अब इसको जरा सा सॉल्व करेंगे तो 24 का रूट क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ग्रेटर देन चार छके, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2√6 से, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे मतलब रियल नंबर होगा, और यदि k 2√6 होगा तो ज्यादा होगा, और या -2√6 से कम होगा, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू छिपे होते हैं। ठीक है, या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, मतलब इसके बीच में लाई करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को बताने का, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, ये तो हमने स्टेप से बनाया जैसे आप लोग क्लास 9 में बनाते थे।
अब देखिए प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम निकालते हैं, इसका रूट निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे इसका रूट, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी कितना है, माइनस के बाई ए, माइनस के बाई ए मतलब तीन हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो सी कितना है, टू हो जाएगा। ए कितना है, दो बटा तीन हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, तो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में फोर अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख दिया आपने। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका तो वैल्यू पता नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसका जिसका वैल्यू पता है उसको पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू पता है हम लोग को, तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू पता होना चाहिए था हम लोग को, ठीक है। तो ये नहीं निकाल पाएंगे इस तरह से, पर ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, काम का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हम लोग के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसमें आगे हम लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। के का मान निकालना है, के का मान निकालना है आपको यहाँ पे, और समीकरण का मूल बराबर होगा। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, मूल जब बराबर होता है तो डी इक्वल टू में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में जीरो। अब b का वैल्यू देखिए तो कितना है, b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा यहाँ पे, प्लस में जो लास्ट वाला पार्ट है 2x है, और ब्रैकेट में 1 प्लस में 3k, उसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू में 1 प्लस में 3k और फिर इंटू में x, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद x आ गया, ये हम लोग को चाहिए था, और जो बाद में पार्ट बच गया उसको लिख दीजिए डायरेक्ट 7 इंटू 3 प्लस में 2k, यहां तक लिख लिए, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा बट आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। अब देखिएगा आगे क्या होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या हो जाएगा, यहां से a लिखेंगे तो a1 आ जाएगा, b लिखेंगे तो b का कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस में 3k आ जाएगा, और अगर c लिखेंगे तो c इक्वल टू में 3 प्लस में 2k आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 प्लस में 2k आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी ज्यादा लाइट हो गया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं मार्कर को यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे से गलत हो गया था, गलत वैल्यू लिया था मैंने। अब यहाँ वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 तो था ही और यहाँ 7 भी तो मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, 1 तो हमने लिया नहीं, तो a नहीं लिया क्योंकि a का वैल्यू 1 था हमारा, तो a का वैल्यू लिया नहीं हमने। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, दोबारा से यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में, ये सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस में 36k हो जाएगा, ठीक है, 36k हो जाएगा स्क्वायर, 36k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 24k हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे 7 × 4 28 हो जाएगा, 28 से गुना कीजिए तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 × 3 = 84 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 × 3 = 84 हो जाएगा और यहाँ पे −56k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, −56k होना चाहिए, 28 × 56 होता है तो −56k इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36k स्क्वायर पहले लिख लिए, 36k स्क्वायर पहले लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे, 36k स्क्वायर 24k और 56k ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, 24k और 56k को, तो कितना हो जाएगा, 22k हो जाएगा, माइनस का 22k हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 22k हो जाएगा और यहाँ पे
यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 80 बचेगा, ठीक है, यहाँ माइनस 80 बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, 24 और 56 32 होगा क्या, हाँ 32 होगा, गलत किया, घटाया हमने गलत है। अब लगता है ये ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले आप लोग को दिख रहा है, अब यहाँ पे हम लोग को चार जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन लेंगे, तो 8 कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन नहीं होगा शायद, 4 कॉमन हो जाएगा ना, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 9k² माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू में 0। अब ये 0 कट गया, मतलब यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको स्प्लिट कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो हम इसको स्प्लिट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बीच में 8 लाना है और गुना करने में कितना लाना है, 180 लाना है। तो ये किस तरह से आ सकता है, तो सबसे पहले माइनस 8 लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस 18 लिखेंगे और माइनस प्लस 10 लिखेंगे, तो ये गुना करने पे माइनस से 180 आ जाएगा, जोड़ने और घटाने पे माइनस से 18 आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, सॉरी माइनस 8 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था के का मान निकालना था, तो के का मान तो 2 निकल गया, के का मान साइन चेंज करना होगा और 9 से भागा भी तो देना बाकी है ना, तो 9 से भागा भी दे दीजिएगा आप, तो के का मान निकल जाएगा माइनस 18/9, मतलब माइनस 2 लिख देते हैं सीधा, और यहाँ पे 10/9 साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है अगर हम वैल्यू, इसके बाद हमको साइन चेंज करना होता है, यहाँ लिख सकते हैं 18/9 और -10/9, ठीक है, तो साइन चेंज करना होता है, ठीक है, शुरुआत में मैंने बताया था। तो के का 2 मान हमने निकाल लिया, ठीक है, के का 2 मान निकाल लिया, अब देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ एग्जाम में, उसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, वैल्यू बता दीजिएगा। तो ये दोस्तों कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10, और ये देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, देखिएगा टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघातीय समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू इक्वल टू में 0 के मूल का योग योगफल और गुणनफल दोनों ही 10 हो तो पी और क्यू का मान कितना होगा, ठीक है, तो योगफल और गुणनफल दोनों ही 10 है, ठीक है ना, मूल का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो पी का मान निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, काफी आसानी से बना सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्या लिखा हुआ है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू इक्वल टू में 0, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि इसका जो डेटा दिया हुआ है योगफल और गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 10 है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 10, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो ये इक्वेशन इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब माइनस 10 दिया हुआ है इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्लस में प्रोडक्ट होता है, मैंने इक्वेशन बताया होगा आप लोगों को, तो प्लस का 10 लिखेंगे, इक्वल टू में 0 लिखेंगे, तो p का वैल्यू कितना निकल गया, p का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू 1 निकल जाएगा, और p का वैल्यू 1 निकल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है कुछ अलग देखने को मिल रहा है आप लोग को, ठीक है, तो इसको 2 से भागा देंगे और क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, तो ये ए बी सी, ए बी सी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग और तरीके से बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं सम ऑफ रूट क्या होता है, सॉरी सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए 10 के इक्वल है। आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो बी कितना है, बी माइनस 5 है, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और ए कितना है, पी है, बटे में पी इक्वल टू में 10 हो जाएगा, ये कटेगा 2 बन जाएगा, मतलब p इक्वल टू में 1/2, जो कि हमने शुरुआत में भी निकाल लिया था, डायरेक्ट हमने निकाला था यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आगे निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, क्या निकलेगा आपका, p इक्वल टू में 1/2 निकल जाएगा, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने शुरुआत में भी निकाल लिया था, अगर 2 से भागा देते तो निकल जाता, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा लिख के कि पहले भी हमने निकाला था इस चीज को। अब प्रोडक्ट कितना होता है, फॉर्मूला ये c/a होता है, c/a होता है, जो कि 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे c कितना हो गया, q हो गया,
और ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान 10 हो जाएगा, ये आपके सामने है। क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान 10 हो जाएगा, और पी का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे आप इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, प्रोडक्ट है, सी मतलब क्यू हो गया, और ये सॉरी पी है, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, सी बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पी का वैल्यू कितना है, 1/2 है, पी का वैल्यू कितना है, 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू में 5 निकलेगा, अब सही है, क्यू इक्वल टू में 5 निकल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए हाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं फिर से बनाता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही बनाता हूँ मैं। मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था इसके इक्विवेलेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो क्या लिखा था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख लिया था, एक्स लिखा था, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 10 दिया हुआ है, तो हमने प्लस में 10 लिख दिया, इक्वल टू में 0। अब इसके इक्वल आने के लिए सबको 2 से भागा दे दीजिए, यहाँ भी 2 से भागा दे दीजिए, यहाँ भी 2 से भागा दे देंगे, तो पी का वैल्यू अपने आप 1/2 हो जाएगा, और Q का वैल्यू अपने आप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, पहले वाला काफी लंबा हो गया और ये वाला काफी ज्यादा आसान हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने बनाया 10 को, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस फाइव के एक मूल 2 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल तथा पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक मूल आपको दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आसान है, अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को पूछा गया है, पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 5 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब एक मूल दिया हुआ है 2, एक मूल कितना हुआ 2, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। तो दूसरा मूल आपको निकालना है, मतलब बीटा आपको नहीं पता है, क्या नहीं पता है, बीटा आपको नहीं पता है, बीटा आपके पास क्वेश्चन मार्क है। अब बीटा आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब तो हमें यहाँ फंस गए, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। जो चीज हमारे पास दिया हुआ है पहले तो उसको लिखिए, ए इक्वल टू में कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, B इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, C इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अपने आप आपको रास्ता मिलने वाला है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे अल्फा दे दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C बाई ए होता है, ये तो हमें पता है, C कितना है, 5 हो गया, ए कितना हो गया, 1। तो अल्फा इंटू बीटा ये कितने के इक्वल निकल गया, 5 के इक्वल निकल गया, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल इस क्वेश्चन को हाइड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हाइड किया हमने। अब यहाँ पे ये 5 निकल गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकल गया, अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 इंटू में बीटा करेंगे और इक्वल टू में 5, मतलब बहुत आसानी से आप क्या निकाल लिए, बीटा निकाल लिए, बीटा इज इक्वल टू में 5/2। तो ये चीज हम लोग को चाहिए था, एक सॉल्यूशन हम लोग के हाथ में आ गया। तो देख सकते हैं थोड़ा सा हमने डेटा लिखा तो हमारा रास्ता अपने आप मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा रूट निकालना है, दूसरा रूट रूट तो निकला हुआ ना, अब हम लोग को इस वैल्यू को निकालना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी के जगह पे पी लिखेंगे, तो माइनस पी बाई ए का वैल्यू 1 है, तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहां से आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग को पता है ना, अभी हमने निकाला 5/2 निकाला अभी हमने, और ये माइनस पी हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कीजिए तो 4 9/2 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये पी का वैल्यू निकल गया आपका, इसका वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया।
पी इज इक्वल टू में -9/2 और बीटा इज इक्वल टू में 5/2। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया गया, और ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा था और यहाँ अब टाइप चेंज हो गया। देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 7x² + 2 = 11 लिखा हुआ ना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान कितना होगा। तो क्लियर सा बात है कि यहाँ पे दोनों रूट को निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा को निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, अल्फा और बीटा को किस तरह से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे, 7x² - 11x + 2 = 0, ठीक है। अब यहां पे a = 7, b = -11 और c = 2, यहां तक क्लियर। अब अल्फा एक के तरीका है, या तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट भी निकाल लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, यही होता है -b/a। तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का 11 तो प्लस का 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, ये c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है, 2/7 हो जाएगा, यहाँ पे 2/7। अब ये अल्फा और बीटा से डिवाइड कर दीजिए इसको, अल्फा और बीटा से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, अल्फा और बीटा से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कीजिएगा, तो α/α (β), ठीक है, प्लस β/α (β) इक्वल टू में 11/7 × 7/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने डिवाइड किया तो डिवाइड में क्या होता है, जो भी होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 11/2। शायद आपको नहीं दिख रहा है होगा तो मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, मतलब फाइनली आपको मिल गया 1/α + 1/β इक्वल टू में 11/2, और यही चीज आपको निकालना था। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है ना। देख सकते हैं हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा इंटू बीटा से भागा दे दिया और जो आया वो हमारा आंसर हो गया, और क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया था। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि 4x² - 7x + 3 का अगर रूट अल्फा और बीटा है तो हमें क्या निकालना है, 1/α² + 1/β² तो हम इसको पहले जैसा नहीं बनाएंगे, हम इसको काफी सिंपल बनाने की अभी कोशिश करने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये x² का कोफिशियंट है और ये कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम लोग यहाँ x लिखेंगे और ये जो बीच वाला है -7 लिख लेंगे। अब -7 को ब्रेक करेंगे तो -4 - -3 में ब्रेक हो जाएगा। अब इस साइन को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो साइन जो भी होता है उसको उल्टा करेंगे तो 3 और 4 में ब्रेक हो जाएगा। और ये जो कोफिशियंट होता है इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 4 है तो इससे डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में एक जगह 1 निकल जाएगा, एक जगह 3/4 निकल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/α निकल गया, बीटा निकल गया, 1/β² इससे अगर बनाएंगे तो काफी आसानी से बन जाएगा। अब 1/1² करेंगे तो वही रह जाएगा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9/16 हो जाएगा। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भागा में है, और यहाँ पे एलसीएम लेके लिख दीजिए। तो अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से भागा देंगे तो 9, और यहाँ पे 16 है मतलब 25/9 हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 25/9। तो इस तरह से आप काफी आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना होगा एग्जाम में, ठीक है, तो आसानी से आप बना लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन जैसा है। यदि अल्फा बीटा
समीकरण 3x प्लस 4 इक्वल टू में 7 की मूल है, तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है। तो 3x स्क्वायर 7x इक्वल टू के उस साइड था, तो इक्वल टू के अगर इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो वो साइन चेंज होगा, मतलब माइनस का 7x बन जाएगा, इसलिए मैंने माइनस का 7x लिखा है यहाँ पे, और प्लस में 4 लिखा हुआ है। अब पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे गुना करने का, तो ये 12 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस 7 लिख देंगे। अब ये माइनस 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि गुना करने पे 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। माइनस 4 लिख सकते हैं और माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन चेंज करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 से भागा दे देंगे, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे भागा भी देना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा निकालना है, और प्लस में बीटा बाई अल्फा निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, अल्फा कितना है यहाँ पे देखिए, तो अल्फा है 4/3, तो 4/3, और यहाँ पे बीटा कितना है, बीटा 1 है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बीटा कितना है, 1 है, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो ये 12 आ जाएगा, और ये 4 चौके 16 और 9 हो जाएगा, मतलब 25/12 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको रूट निकालने आता है तो कोई एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जूम किया ताकि आपको अच्छे से दिखे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइप 7 समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 27 ग्रेटर देन 0 है, में x का मान निम्न में से कौन सा संतुष्ट करता है। तो ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का अभी तक हमने क्वेश्चन बनाया नहीं है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 को हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। अब 15 में पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस, मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले उसको लिखता हूँ, प्लस 6x प्लस में 27, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे पूछा कि x को निम्न मान कौन सा संतुष्ट करता है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको स्प्लिट करना होगा, और यहाँ पे कौन सा मान संतुष्ट करता है, तो हर जगह यहाँ ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करना होगा, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 से 27 को गुना किए तो 27 हो गया। अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, या निकालिए ना सीधा एक्स का वैल्यू निकालिए जैसे हम लोग निकालते हैं, तो ये 6 लिखिए, और यहाँ पे प्लस का ही लिखे आना है कि माइनस का लिखे आना है, यहाँ पे माइनस का लिखा है, मैंने गलत लिखा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 9 लिखेंगे, माइनस का 6 लिखेंगे, नहीं प्लस का 9 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, तो घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करने का बारी है, तो माइनस 9 लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 हो जाएगा, एक्स माइनस 9 हो जाएगा और एक्स प्लस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 हो जाएगा और एक्स प्लस में 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है, ये हो गया, स्प्लिट हो गया और ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसी को पुट करना है ना हम लोग को, x प्लस 9, x माइनस 3, यहाँ तक नहीं ले जाना है, ठीक है, यही वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, ये अल्फा बीटा, ठीक है, ये अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, माइनस 9 और प्लस 3 करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो माइनस साइन पहले से रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो x माइनस अल्फा रहता है, x माइनस बीटा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, x का मान माइनस 9 और 3 के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे में x का मान माइनस 3 और 9 के बीच में नहीं हो सकता, अर्थात इसको अगर हम लोग लिखेंगे
तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एक्स लेस देन माइनस नाइन, क्योंकि साइन चेंज हो गया, इस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब लेस देन के जगह पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन तीन। तो कहने का क्या मतलब है कि x का मान 3 से ज्यादा है बट माइनस 9 से छोटा है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। 3 से ज्यादा कैसे हो सकता है, माइनस 9 से छोटा कैसे हो सकता है? अगर हम बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, और ये कोई आदमी बोला कि आपके पास 100 रुपए है, तो और वही आदमी बोलता है कि आपके पास 20 रुपए नहीं है, तो ये कैसे हम मान सकते हैं कि आपके पास 100 रुपए होगा बट 20 रुपए नहीं होगा? तो ये तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुष्ट नहीं करता है, मतलब ये क्या होगा, x के किसी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। एक और तरीका है जिससे मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप कैसे बनाएंगे, इतना कुछ करना नहीं है, ये थोड़ा लेंदी हो गया। आपको क्या करना है, सीधा d निकालना है। d इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया, x को मान निम्न में से कौन सा संतुष्ट करता है, मतलब ये सही है, इससे नहीं बनेगा, जो ऑप्शन है ना उसके अनुसार से हमने बना लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन माइनस 9 या x से, ये ऑप्शन तो कहीं मिला ही नहीं जो हमने निकाला, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 दिखेगा, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिखेगा। एक्स का मान कौन सा समीकरण, एक्स का मान कौन सा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0 को संतुष्ट करता है? तो देखिए ये जो टाइप आया है ना, ये टाइप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है सभी में, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे, हालांकि मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बता दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, ये जो भी टाइप आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो इक्वेशन लिखा है उसको लिखिए, 15 के बाद 16 आएगा, और इक्वेशन क्या लिखा हुआ है उसको लिखते हैं ध्यान से। तो यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। इसका रूट को निकालिए सबसे पहले, तो इसका रूट निकालेंगे तो अल्फा और बीटा निकालना है, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस 3 लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस 1, मतलब अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा कितना निकल गया, 2 निकल गया, और बीटा निकल गया 1। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस में माइनस 2 और x माइनस में माइनस 1, ये आ गया रूट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इससे निकाल के लिख सकते हैं हम लोग, इसे क्या निकाल के लिख सकते हैं, x लेस देन 1, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, और x लेस देन 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गया, x लेस देन x ग्रेटर देन 2, नहीं नहीं ऐसे निकालेंगे ना, x का जो मान हो जाएगा 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक का साइन प्लस था, एक का साइन में माइनस था, तो वहां दिक्कत था, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन से अगर निकालेंगे, x का मान जो लाई करेगा, मैं यहां पर लिखता हूं x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये रेंज बना x का, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और दूसरा इक्वेशन से मैं लिखता हूं, इस क्वेश्चन को मुझे हाइड करना होगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, देखिए दूसरा इक्वेशन से मैं लिखता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसको स्प्लिट करना होगा, तो इसको भी स्प्लिट कीजिए, सेम इक्वेशन नहीं लिख दिया ना मैंने, अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब यहां पे सेम उसी तरह बनाना होगा, तो x लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे माइनस 4 प्लस में 1 लिखेंगे, अब यहां से कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से 1 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब इसके लिए अगर रेंज लिखेंगे
वन और फोर आ गया, ठीक है। मतलब यहां से अगर लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन और लेस देन माइनस वन, यहाँ इक्वल टू लगा लीजिएगा, यहाँ इक्वल टू लगा लीजिएगा, यहाँ भी इक्वल टू लगेगा, यहाँ भी इक्वल टू लगेगा। माइनस वन से लेके फोर तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, फिर वन तक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन है और ये वन है, तो माइनस वन से लेके वन तक जाएगा, ये फोर तक जाएगा, मतलब ये फोर तक जाएगा, माइनस वन से फोर तक जाएगा, ठीक है। एक्स का मान इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये मान लीजिए समीकरण वन है और ये मान लीजिए समीकरण दो है। अब समीकरण एक और दो को क्या करेंगे ना, हम लोग मिलाएंगे, तो समीकरण एक और दो को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन माइनस वन से लेके वन तक जाएगा, मतलब यहां तक जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा दूसरा वैल्यू माइनस टू से लेके प्लस फोर तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर आपके सामने मिल गया होगा, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको आप रिवाइज करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, टाइप एट क्वेश्चन नंबर 17। दो लगातार घन पूर्णांकों का वर्गों का योग 221 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है बट कुछ अलग है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 17 है। दो लगातार घन पूर्णांक, मान लीजिए लगातार बोला गया, तो एक एक्स मान लिए, एक एक्स प्लस में वन मान लिए, दो मान लिए, ठीक है, और इनके वर्गों का योग 221 है, ठीक है। या तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाइए। तो इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 221 आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है कुल मिला के। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि आप कैसे बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है, बट अभी आपको स्टेप से बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स मान लिए, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू में 221, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखे एक्स स्क्वायर, मतलब टू एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी दिख रहा है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स और माइनस का 220, काटिए 110 आ जाएगा, मतलब फाइनली जो इक्वेशन मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 110 इक्वल टू में 0, ये मिल गया। अब इसको स्प्लिट कीजिएगा तब जाके आंसर आएगा, मतलब फंसने वाले आप। तो हम इसको आसान तरीके से आपको बताते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया नहीं है, मान लीजिए ऑप्शन दिया होता तो आप बना लेते, ठीक है, ऑप्शन दिया होता तो आप बना लेते। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना आपको, तो कैसे बनाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो दो लगातार है, तो पहला संख्या मान लीजिए 10 हो जाएगा, दूसरा संख्या 11 हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 10 और 11 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप जा सकते हैं 10 और 11। अभी जो हमने इक्वेशन बनाया था वो इक्वेशन क्या बनाया थे, आपने नोट किया होगा तो मुझे बता सकते हैं, इक्वेशन बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 110 इक्वल टू में 0, यही बनाया था हमने। अब हम लोग को माइनस में लेके आना है, तो माइनस में लेके आना है तो किसी एक को तो माइनस करना होगा, तो किसी एक को जब माइनस करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। अगर ऐसा हम लोग निकालेंगे तो ये पहले माइनस 10 था, ये प्लस 11 था, साइन चेंज करके ये चीज हमने निकाला हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके यही निकालेंगे आप। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप ऑप्शन को देखे तुरंत है 10 गुना में 11 कर देंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैंने बता दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 15 है, उनके वित्त क्रमानुपाती मतलब अपोजिट रेसिप्रोकल का योग 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग 15 है, तो देखिएगा ध्यान से, संख्याओं का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा या एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 15 और हम लोग को दिया हुआ है 1/x प्लस में 1/y इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस में y हो जाएगा ऊपर में, बटे में 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड करते हैं। जब हाइड कर दिया हमने तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, पुट कर दीजिए बस, तो 15/ एक्स इंटू वाई इक्वल टू में 3/10, 3 से काटिए 3/5, मतलब कि यहाँ पे अगर आगे करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, एक्स और एक्स इंटू वाई 50, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या होगा, ठीक है। कैमरा को थोड़ा साइड सामने ला देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे, अभी काफ़ी दूर दिख रहा है कैमरा, अब आप लोगों को सही से दिखेगा, ठीक है, मैं उस हिसाब से लिखूँगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई द, दिख रहा है आप लोग को, होल स्क्वायर, माइनस का अगर लिखे है तो माइनस 4xy लिखना होगा। बस इसको पुट कीजिए और बनाइए, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू हमने 50 निकाला है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए तो 4 गुना में 50 200, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, देखिए तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाला है, ये वाला 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, मतलब सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, किसका वैल्यू है, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब अगर निकालेंगे एक्स माइनस वाई का वैल्यू तो ये निकल जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग निकाले x का वैल्यू तो 15 + 5 = 20/2 = 10, y का वैल्यू निकालेंगे तो 15 में से 5 घटाइएगा 10/2 = 5, तो 10 और 5 निकल गया, तो देख लीजिए 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम देख लेते हैं फिर से, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, तो देखिएगा, तो संख्याएं बताए, संख्या यही था, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 35 है तो उनमें छोटी संख्या का मान क्या होगा। लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, योग नहीं गुणनफल है, मतलब विषम संख्या एक एक्स मान लिए, दूसरा एक्स प्लस में 2 मान लिए, उनका गुणनफल कितना हो गया, 35 हो गया, मतलब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरीके हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मेथड से भी बना सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 35 ला दीजिए, ठीक है। इस 2 को स्प्लिट करना है तो x इज इक्वल टू में 2 लिखेंगे। अब 2 को स्प्लिट कैसे करेंगे, 7 और 5, 7 लिखेंगे, 5 को घटा देंगे उसमें से, तो माइनस का 7 आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। अब इससे छोटा हो नहीं पाएगा, ये इतना ही पे अटक जाएगा। ये इनमें छोटी संख्याएं ज्ञात करें तो इनमें छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इनमें छोटी संख्या हो जाएगी, इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें तो जो भी छोटी संख्या आपको दिख रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर माइनस 7 होना चाहिए, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5, देखिए 5 एक संख्या हो गया तो 5 ही मान लीजिए छोटा संख्या, ठीक है, 5 हो जाएगा। माइनस 7 ऋणात्मक है, अब संख्या कैसा है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेके चलिए तो 5 हो जाएगा, छोटा संख्या लार्जर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है ना,
दो लगातार गुणनफल मतलब 7 गुना 5, वो अगर गुना करेंगे ना तो ये -35 आ जाएगा। हम लोग को -35 नहीं चाहिए, हम लोग को केवल क्या चाहिए, प्लस का 35 चाहिए। तो इसलिए हम जो पॉजिटिव संख्या लेंगे वही लेंगे, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 7 और 5 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देखिएगा टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 20 है। के किन मान के लिए 2x² - kx +1 = 0 के मूल बराबर होंगे। तो आपसे पूछा गया के किन मान के लिए, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा के किन मान के लिए ये बराबर होने वाले हैं। तो के का जो मान हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2x², ठीक है, मूल बराबर होंगे। तो मूल कब बराबर होते हैं, सबसे पहले आपको सोचना है कि मूल कब बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा टाइप 9 है ये, तो डी इज इक्वल टू में जब 0 होता है तो मूल बराबर होता है। अब डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, इसको क्या कर दीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए। अब 0 से इक्वेट करेंगे तो b का वैल्यू कितना है, -k, तो k² हो जाएगा -4ac। a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और c कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो 1 और 2 हमने पुट कर दिया, यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को हाइड कर दें, हाइड कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा आगे, अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो k² - कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 0, मतलब k² = में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था, k का वैल्यू पूछा गया था, शायद आपसे क्या पूछा गया क्या था, k का मान पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे k का मान पूछा गया था, तो बस उसका 8 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन को हाइड करके निकाल देता हूँ 8 का स्क्वायर रूट, तो k का मान कितना हो जाएगा, k = 2√2 हो जाएगा, और जो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, 4 × 8 होता है, 4 का √2 निकल जाएगा, और √2 रह जाएगा रूट में ही। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगले अब दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है, और यहाँ पे टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अल्फा और बीटा समीकरण 2x² + 3x - 1 के = 0 के मूल है, मतलब रूट है, तो α² + β² + α × β का वैल्यू कितना होगा। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b कितना है, तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए कितना है, ए के जगह पर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा। सी का मान कितना है, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग आगे देखेंगे, तो आगे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग लिखना चाहे यहाँ पे इस चीज को, α² + β² + α × β = जो होगा उसको देखेंगे बाद में। हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन को हाइड करता हूं, क्योंकि इसी चीज का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आगे हमने किया ये हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई करेंगे, α² + β² और प्लस में 2 α × β और वही -2 α × β और प्लस में α × β हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने एक बार इसको प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बना लिए, क्या फार्मूला बनेगा, α + β द होल स्क्वायर और माइनस में α × β, इन दोनों को घटा लिया, इन दोनों को घटा लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब α + β हमारे पास है, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/4, और माइनस में α × β कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 11/4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाना चाहिए, 11/4। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ, ठीक है, 21 और ये 22 देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रूट टू प्लस में रूट टू प्लस में रूट टू और ये ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको क्या कीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ टू हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू क्या है एक्स ही मान लीजिए, टू प्लस में एक्स हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने क्या कर लिया इस फॉर्म में ला दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो अरेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा, माइनस में टू इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को स्प्लिट करना है किसको, माइनस वन को, एक्स का कोफिशियंट माइनस वन है तो उसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस टू प्लस में वन लिख सकते हैं, मतलब है हम लोग को निकालना क्या था इसमें एक्स का मान निकालना था, तो एक्स का मान क्या निकलेगा दो और एक निकलेगा, दो और माइनस एक निकलेगा, तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे प्लस टू को लेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक है, मतलब हम लोग को हॉल नंबर या नेचुरल नंबर में वैल्यू को ज्ञात करना है, क्योंकि माइनस को लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा रूट में जाके, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 प्लस में, ठीक है, उसी तरह करेंगे, मान लीजिए कि हम नीचे इस पूरे वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, तो ये इन्फिनिटी टाइम क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जब ये इन्फिनिटी टाइम रिपीट होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 1/4 प्लस में एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे वैल्यू को क्या मान लिया एक्स मान लिया है, और ये पूरा वैल्यू को हमने क्या माना हुआ था एक्स माना हुआ था, तो सेम उसी तरह अब इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो 4 गुना में एक्स है तो 4x हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 1 हो जाएगा, ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब आगे तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहिए था इसको, प्लस में 4x है माइनस 1 इक्वल टू में 0, ठीक है, ये ऐसे आया था इक्वल टू में 1 ही आया था ना, तो 1 ही लिख देते हैं, अब इसको अरेंज करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसका कोफिशियंट 1 इसका कोफिशियंट 1 मतलब x का वैल्यू निकालना है इस 4 से, ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा गया है, ये तो निकलेगा नहीं ऐसे, तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एक्स का मतलब इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, बस इस पे वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करने आप लोग को आता होगा पुट कर लीजिएगा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करके आप लोग निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने काफी बता दिया, चलिए अब दोस्तों हम लोग टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यदि 9 के पावर में x है माइनस 4 इंटू में 3 के पावर में x प्लस में 2 प्लस में 3 के पावर में 5 इक्वल टू में 0, तो x का मान कितना होगा, तो पहले लिखिए जो भी आपके को दिया गया है इसमें उसको लिखिए, तो 4 गुना में 3 के पावर में x प्लस में 2, ठीक है, उसके बाद प्लस है 3 के पावर में 5 इक्वल टू में 0, x का मान निकालना है, तो सॉल्व कीजिए, और कोई उपाय तो है नहीं इसको सॉल्व करने का, बस इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर उसके पावर में x हो जाएगा, 3 के पावर में 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ 4 इंटू में, ठीक है, 3 के पावर में x है इंटू 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस में 3 के पावर में 5 इक्वल टू में 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट 3 के पावर में x है इक्वल टू में y, ये मान लिया 3 के पावर में x इक्वल टू में y, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करना है हम लोग को,
ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन को हाइड करना होगा, तो मैं क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को हाइड कर दिया। अब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये सीधा वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 × 9 मतलब 36 बना लेते हैं यहाँ पे, 36 वाई प्लस में 3 की पावर में 5 कितना होता है, 243 होता है, प्लस में 243 इक्वल टू में 0। तो ये बन गया हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और y का जो वैल्यू हो जाएगा, स्प्लिट कीजिएगा 36 को, माइनस 36 को आप लिख सकते हैं क्या, माइनस, ठीक है, माइनस 27 − 9 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 27 और 9 आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को y का वैल्यू निकल गया। अब y के जगह पे y इक्वल टू में कितना है, 3 की पावर में x है। y की जगह पे या तो 27 को पुट करेंगे या फिर 9 को पुट करेंगे। तो एक बार 27 को पुट कीजिए, 3 की पावर में x हो जाएगा, ये 3 की पावर में 3 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में एक बार 3 निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार आप क्या कीजिए, 9 को पुट कीजिए, तो 9 इज इक्वल टू में 3 के पावर में x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के पावर में 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 के पावर में x हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 2 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू या तो 2 निकलेगा या तो 3 निकलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आम क्वेश्चन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते थे। तो रिविजन करके जाएंगे तो आसानी से इन सभी क्वेश्चन को बना देंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 को। समीकरण 2/3 ने एक्स के पावर में 2/3, वाई के पावर में 1/3, माइनस में 2 इक्वल टू में 0, तो एक्स का मान क्या होगा। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे, कितने आसान तरीका से हम बनाने वाले हैं इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक्स के पावर में 2/3 प्लस में एक्स के पावर में 1/3 प्लस में नहीं माइनस में 2 माइनस में 2 इक्वल टू में 0। आ गया समझ में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के पावर में 1/3 इक्वल टू में y मान लेते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके हैं हम लोग। अब ऐसा कुछ लेके आना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, तो हम लोग y इक्वल टू में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, तो y इक्वल टू में 2 माइनस में 1 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो +1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, -2 हो जाएगा और 1 में ब्रेक हो जाएगा, तो 2 और 1 हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे y के जगह पे पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे, और यहाँ पे एक बार 1 ले लेंगे, तो जब 1 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के पावर में 1/3 कंपेयर कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा वैल्यू अगर निकालेंगे तो x के पावर में 1/3 इज इक्वल टू में कितना, y का वैल्यू -2 है। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये कटेगा, मतलब x इज इक्वल टू में -8 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और -8 जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका मान होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सभी को हमने इस वीडियो में देख लिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।